नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। गाजा के अल शिफा अस्पताल में मौतों पर बोला भारत, आम लोगों की नहीं जानी चाहिए जान, मदद जारी रहे। असम में 8756 उग्रवादियों ने छोड़ा हिंसा का रास्ता, सीएम हिम्मत बिस्वा सरमा बोले नई दिशा की ओर बढ़ रहा है असम। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के वोटर से पीएम मोदी की अपील, महापर्व की रौनक बढ़ाएं, हर वोट कीमती। एमपी और छत्तीसगढ़ में वोटिंग के बीच भूपेश बघेल यह बोले, यह प्रजातंत्र का महापर्व, सभी वोट करें। एक दिन में गिर गया 3 डिग्री पारा, दिल्ली एनसीआर और यूपी समेत उत्तर भारत को सताएगी ठंड, दिन के वक्त तेज धूप निकल रही है। जिनके नेता मूर्ख हैं उन्हें डर लगता है, हम शेरों की पार्टी के कार्यकर्ता, राजस्थान में कांग्रेस पर बरसी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, मंत्री ने रैली में दिया आश्वासन। बंगाल की खाड़ी में फिर आएगा चक्रवात, कई क्षेत्रों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अपडेट। कांग्रेस वालों को देखकर तो गिरगिट भी शर्माती है, ये लोग इतने रंग बदलते हैं, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कविता ने किया हमला। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, आरबीएस ने तेलंगाना पर 2 बार शासन किया, बदलाव चाहती है जनता, तेलंगाना के लोग बदलाव के लिए तैयार। विधेयक मंजूरी में देरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, तमिलनाडु राज्यपाल में वापस लौट आए 10 बिल, सरकार ने बुलाया विशेष सत्र। श्रद्धालुओं के लिए खुला सबरीमाला मंदिर, दर्शन के लिए भक्तों की लगी भारी भीड़, मंदिर को 2 महीने के तीर्थ यात्रा के लिए खोला गया। पीजी पाठ्यक्रमों के लिए यूजीसी का नया मसौदा तैयार, 4 साल की स्नातक डिग्री वाले कर सकेंगे 1 वर्षीय पीजी कोर्स। स्पेशल इकोनॉमिक जोन को पुनर्जीवित करने के उपायों पर विचार कर रही सरकार, शीतकालीन सत्र पर पेश हो सकता है विधेयक। अचानक नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे अश्विनी वैष्णव, तैयारी का लिया जायजा, बोले त्योहारों के लिए चलाई गई है 3 गुना विशेष ट्रेनें। कश्मीर के कुलग्राम में मुठभेड़ जारी, 3 से 5 आतंकियों में छिपे होने की आशंका, सुरक्षा बलों ने रात भर इलाके में की सर्चिंग। संभल में स्वास्थ्य विभाग की कड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से संचालित 3 हॉस्पिटल सीज, अवैध हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप। अम्बेडकर नगर में पराली जलाना पड़ा भारी, 4 किसानों पर दर्ज हुआ मुकदमा, 2 लेखपाल किए गए निलंबित। बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद, मामा भांजे पर कार सवार बदमाशों ने किया हमला, मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में निकाली गई संविधान बचाओ यात्रा, मरते दम तक लड़ूंगा संविधान की लड़ाई, वर्तमान में देश की सत्ता भाई को भाई से लड़ने वालों में हाथ में है।
देवरिया में ठंड शुरू होते ही चोरों के हौसले बुलंद, नकदी समेत 2.5 लाख की चोरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद में ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम का आयोजन, बच्चे, अध्यापक, स्वास्थ्य संबंधी लोग रहे मौजूद। ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। गाजियाबाद में नगर पालिका के अधिकारी का नया कारनामा, सरकार ने लगाई AQI नापने के लिए मशीन, मशीन पर अधिकारी कर रहे पानी का छिड़काव। लखनऊ में चीफ इंजीनियर ने की बैठक, जल्दी आए ज्यादा लाभ पाए, OTS योजना लागू, 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक मिलेगा लाभ। रायबरेली में प्रेमी प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा, प्रेमी ने प्रेमिका को दिया धोखा, दोनों के परिवारजन पहुंचे तो दोनों के बीच आपसी समझौता हो गया। संभल में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अलग अलग जिले के हैं 4 बदमाश। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड मामले में सुनवाई, जिला न्यायालय में सुनवाई, आरोपी शूटर्स पर तय आरोप। बहराइच में दलित युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल, फगरपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो, हुजूरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है दलित युवक कैलाश। बहराइच में मामा के घर से अपने घर जा रही युवती के साथ रेप, युवती ने टेम्पो चालक पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, रेप पीड़िता को इलाज के लिए भेजा गया अस्पताल। बुलंदशहर में हवालात में सोमदत्त की मौत का मामला, युवती को बहला फुसला कर ले जाने का लगा था आरोप, जांच में कोतवाली प्रभारी समेत 8 पुलिसकर्मी दोषी। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल, बदमाशों के कब्जे से बाइक और 2 तमंचे बरामद। छिंदवाड़ा में शाहपुर गांव में ग्रामीणों ने किया वोट का बहिष्कार, बूथ संख्या 126 और 165 पर वोट डालने नहीं पहुंचे ग्रामीण, स्थानीय नेता को टिकट ना देने से नाराज हैं ग्रामीण। छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने डाला वोट, मतदान से पहले शिकारपुर मंदिर में पूजा करने पहुंचे कमलनाथ, सांसद नकुलनाथ और पुत्र वधु प्रियानाथ भी रही मौजूद। छिंदवाड़ा में एमपी की 230 सीटों पर मतदान जारी, कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया मतदान, कांग्रेस और बीजेपी में है कांटे की टक्कर। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बड़ा दावा, तोमर ने बड़ी जीत का भरा दम। ग्वालियर में एमपी की 230 सीटों पर मतदान जारी, बीजेपी सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने पत्नी के साथ डाला वोट, नई सड़क स्थित तेरेपंथी धर्मशाला पोलिंग बूथ पर किया मतदान। लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास का घेराव, 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, पुलिस और शिक्षक अभ्यर्थी के बीच हुई धक्का मुक्की। मऊ में लाखों के गबन में आरोपी की जांच कर रही टीम, सभी कार्यों का किया गया स्थलीय निरीक्षण, जांच करने गई टीम को नहीं मिला सेक्रेटरी। मऊ में रेलवे लाइन को लोगों ने किया जाम, रास्ते की मांग को लेकर लोगों का प्रदर्शन, गोदान एक्सप्रेस को स्थानीय लोगों ने रोका। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का राजस्थान दौरा, राजस्थान के 2 जिलों का दौरा, धौलपुर और भरतपुर जिले में जनसभा का आयोजन। बुधनी में शिवराज सिंह ने किया मतदान, शिवराज सिंह ने कहा मेरी बहनें पूरी तरह मेरे साथ, लाडली के बाद लखपति बहना अभियान।
संभल में पड़ोसी को टोकने पर पूर्व सैनिक को पड़ा महंगा। पड़ोस के मकान में चल रहा था निर्माण कार्य, पड़ोसियों ने पूर्व सैनिक पत्नी के साथ की मारपीट। औरैया में ट्रक चालक ने ठेका कर्मियों पर लगाया आरोप, पीड़ित ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। चालक ने आरोप लगाते हुए कहा कि वह लोग फर्जी 50 रुपए की दे रहे हैं। औरैया में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लूट की योजना बना रहे 5 अभियुक्त गिरफ्तार, मामले की जांच में जुटी पुलिस। सदर तहसील पहुंचे सांसद, सांसद ने सुनी लोगों की समस्याएं, जल्द ही तालाब का काम शुरू कर दिया जाएगा। गाजियाबाद में एक बार फिर निशाना बना रहे डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय के बैग से चोरी हुए 2 पैकेट, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई चोरी की वारदात। दिवाली नहीं होती तो सुरंग में फंसते 400 लोग, 60 वर्षीय प्रेमलाल ने बताई पूरी कहानी, मजदूरों को ठंड से बचाव के लिए कंबल की जरूरत नहीं। कांग्रेस ने लगाए आरोप, परिजनों ने भी उठाए सवाल, ये थे सरकार के प्लान ABC। कांग्रेस का है आरोप कि मामले की बड़ी लापरवाही बरती गई। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा अभी नहीं होंगे निकाय चुनाव, कार्यकाल समाप्ति पर तैनात किए जाएंगे प्रशासक। नैनीताल में खाई में गिरी बाइक और वाहन, लोगों ने लगाई मदद की गुहार, कई लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सुरंग में राहत बचाव कार्य जारी, मजदूरों को निकालने में लगेगा 2 दिन का समय, मलबे में 9 मीटर तक डाले पाइप। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची बाबा केदार की टोली, भक्तों ने जयकारों के साथ किया भव्य स्वागत। शीशमबाड़ा में खड़ा 2.5 लाख मेट्रिक टन कूड़े का पहाड़, बायो माइनिंग विधि से होगा निस्तारण, रैमकीव के दावे हवा हवाई। दुग्ध संघ चुनाव के लिए भाजपा ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लिस्ट जारी कर दी है। DFO की नाफरमानी पर शासन का चढ़ा पारा, बैठक की उपस्थिति होने के दिए कड़े निर्देश, शासन ने इसका कड़ा संज्ञान लिया है। प्रदेश में सुरक्षित नहीं है सड़क पर पैदल चलना, हादसों से मौतों के तीसरे नंबर पर प्रदेश में एक साल में 1674 हुए हादसे। राज्य सचिवालय में खुली मिलेट बेकरी आउटलेट, सीएम धामी ने किया उद्घाटन। एम्स की जांच में हुआ खुलासा, बुखार पीड़ितों में मिला पशुओं की बीमारी का बैक्टीरिया, पीड़ितों में पशुओं में पाई जाने वाली लेप्टो स्पायरा बीमारी के हैं लक्षण। सिलक्यारा पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, लिया राहत और बचाव कार्य का जायजा। हरिद्वार में ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा, पति ने ही पत्नी को दी थी खौफनाक मौत। पति ही निकला पत्नी का कातिल, दूसरी जगह हुआ अफेयर तो बेरहमी से दे डाली मौत। गाजा में अल-शिफा अस्पताल में इजरायली सेना को मिला होस्टेज की वीडियो, अस्पताल से थोड़ी दूर मिली बंधक की लाश।
कनाडा की मंत्री मैरी एनजी की मोदी सरकार को धमकी, भारत निज्जर हत्याकांड की जांच करने के लिए तैयार है, कनाडा को भारत के साथ सबूत शेयर करने होंगे। एक को 45 करोड़ तो दूसरे को 11 लाख यूएई में 5 भारतीयों की निकली बंपर लॉटरी, श्रीजू में महजूज सैटरडे मिलियंस में करीब 45 करोड़ रुपए जीते। अल्लाह मेरी दुआ सुनेगा और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल जीतेगा, पाकिस्तानी टिकटॉकर हरीम शाह ने किया पोस्ट, अब हो गई ट्रोल। इसराइल हमास की जंग के बीच ओसामा बिन लादेन का 21 साल पुराना पत्र वायरल, आतंकी ने अमेरिका को लिखा था लेटर। यूएस राष्ट्रपति बाइडेन ने जिनपिंग को बताया डिटेक्टर, भड़का चीन, फिर दिया जवाब, प्रवक्ता माउनिंग ने कहा दो देशों में फूट डालने का प्रयास करने वाले सब जानते हैं। गाजा अस्पताल में एमआरआई यूनिट से मिले हथियार, इसराइल ने जारी किया वीडियो, इसराइल ने दावा किया था कि अल शिफा अस्पताल हमास का कमांडर सेंटर है। अब्दुल रज्जाक के भद्दे बयान पर विशेषज्ञ ने जमकर लताड़ा, कहा गैर मुस्लिम लोगों की जिंदगी कर देते हैं बर्बाद। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसराइल को बताया आतंकी देश, नेतन्याहू बोले हमें ना पढ़ाए नैतिकता का पाठ। कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतीय अधिकारियों के सामने किया हंगामा, सरकारी काम में बीच में काटा बवाल। शादी ब्याह के सीजन से पहले सस्ती हो गई चांदी, सोने के दाम भी बदले, इंटरनेशनल मार्केट में तेजी देखी जा रही है। आरबीआई ने कहा महंगाई से राहत तो मिली लेकिन अभी खतरा नहीं टला, 7.1% पर पहुंच गई थी महंगाई। यूएई में 5 भारतीयों को लगा जैकपॉट तो मिली बंपर रकम, इंडिया ने जीत लिए 45 करोड़ रुपए, 5 भारतीयों के यूएई में निकली लॉटरी। सामने समंदर और आसपास फिल्मी स्टार्स के घर, मुंबई में बिके 100 करोड़ रुपए के 2 फ्लैट। दिसंबर में महाहड़ताल की तैयारी में बैंक के कर्मचारी, बैंकों में नहीं होगा कामकाज, ग्राहकों की निजी जानकारी भी खतरे में पड़ गई है। चीन में साल 1998 के बाद से सबसे निचले स्तर पर एफडीआई, कई कंपनियों ने निकाले निवेश, भारत को मिल रहा फायदा। नीरव मोदी सालों तक इंग्लैंड में रहने की तैयारी में, ब्रिटेन की अदालत में भारत के भगोड़े कारोबारी ने बताई वजह, कहा मेरे ऊपर आरोप साबित नहीं हुआ है। दुनिया भर की चुनौतियों के बाद भी भारत का सितारा है बुलंद, है एसडीएमपी का अनुमान, रफ्तार से दौड़ेगी जीडीपी। बाजार की तेजी बरकरार, 66,000 के करीब पहुंचा सेंसेक्स, शेयर ने दिया सहारा। बच्चों का परफ्यूम 19,000 में, लोगों ने बना दिया कंपनी का मजाक, कई महंगे प्रोडक्ट बेचती है डियोर। वर्ल्ड कप 2023 में विराट ही रहेंगे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, रेस में दूर दूर तक नहीं बची कोई चुनौती। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से मिली रोमांचक हार, मैच के बाद दक्षिण अफ्रीका कप्तान ने बताया दिल का हाल, कहा वो इस जीत के काबिल थे।
बाबर आजम के कप्तानी छोड़ने के बाद पीसीबी ने मोहम्मद हफीज को दी बड़ी जिम्मेदारी। प्रोफेसर ने पिछले साल लिया था संन्यास। से 2023 तक 5 बार सेमीफाइनल खेलने के बाद भी फाइनल में नहीं पहुंचा दक्षिण अफ्रीका, फिर मिला जोकर्स का टैग। तबरेज़ शम्सी और गेराल्ड ने जगाई उम्मीदें, लेकिन कमिंस और स्टार्क ने पूरा नहीं होने दिया दक्षिण अफ्रीका का सपना। डेविड मिलर के शतक पर फिरा पानी, सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका की हार, 8वीं बार विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया। सुसाइड के ख्याल से वर्ल्ड कप में भारत का मसीहा बनने तक बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है मोहम्मद शमी की कहानी। गेंदबाजी की ही निजी जिंदगी में कई परेशानियां एक साथ आई। रोहित शर्मा ने डेविड बेकम ने टीम इंडिया और रियल मैड्रिड की जर्सी अदला बदली की, तस्वीरें हुई वायरल। वर्ल्ड कप के बाद टीम इंडिया के कोच नहीं होंगे राहुल द्रविड़। अब तक बीसीसीआई ने नहीं दिया नया ऑफर। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में बीबीएस लक्ष्मण होंगे कोच। अहमदाबाद में फाइनल से पहले होगा एयर शो, एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम दिखलाएगी दमखम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में मुकाबला। घूमर में अभिषेक बच्चन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं था अल्कोहलिक सीन। एक्टर ने कहा शराब की एक बूंद भी नहीं छुई। एक बार फिर पोस्टपोन हुई कैटरीना कैफ विजय सेतुपति की फिल्म, अब अगले साल होगी रिलीज। मेकर्स ने ज्वाइंट स्टेटमेंट शेयर किया है। साउथ की लेडी सुपरस्टार नयनतारा ने बॉलीवुड में मारी ऐसी एंट्री, पहली फिल्म ने की 1100 करोड़ की कमाई। विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली ओटीटी पर हुई रिलीज, कॉमेडी से भरपूर है ये फिल्म। स्नेक विनोम केस के बीच रिलीज हुआ एल्विश यादव के नए गाने वहम का धमाकेदार टीजर। एल्विश यादव एक फेमस यूट्यूबर है। अभिजीत सावंत को जीतने के लिए मेरे साथ किया गया धोखा, सालों बाद इंडियन आइडल 1 के रनर अप अमित साना ने किया चौंकाने वाला खुलासा। विदेश में शादी की 5वीं वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके मुंबई लौटे दीपिका रणवीर, एयरपोर्ट पर एक दूसरे का हाथ थामे स्पॉट हुए कपल। विकी अपना गेम खेल रहा है तो आप अपना गेम क्यों नहीं खेल रही हैं? अंकिता लोखंडे को सलमान खान ने किया आगाह, अनुराग को किया इग्नोर। बर्थडे पार्टी में रूमर्ड बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया के साथ दिखी जानवी कपूर। शिखर पहाड़िया और बोनी कपूर के साथ खिंचवाई फोटो, वरुण धवन और शनाया समेत कई सेलेब्स हुए शामिल। मुंबई आर्ट फेस्टिवल शुरू हुआ, अर्जुन को हग करते नजर आए करण जौहर, जानवी कपूर काजोल देवगन भी स्पॉट हुए। जारी रहेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।